कविता मंजरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस क्रम में आइए सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता ध्वनि। कविता सुनने से पहले आइए सुनते हैं उनका परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत में सन 1896 में हुआ। जीवन की अनेक विपदाओं का डटकर सामना करने वाले कवि निराला अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। जिस समय निराला जी ने कविताओं की रचना की, वो युग भारतीय इतिहास में समाज में फैली अनेकों असमानताओं का था, जिनका वर्णन उनकी रचनाओं में साफ साफ दिखाई पड़ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, अपरा, बेला और नए पत्ते। साथ ही साथ इनके कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध संग्रह भी प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने पहले समन्वय, फिर मतवाला और उसके बाद सुधा पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1961 में निराला जी का निधन हो गया। तो आइए सुनते हैं परिमल से इनकी कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रायः यौवन या युवावस्था की तुलना वसंत ऋतु से की जाती है और कवि निराला ने भी इस छोटी और सुंदर कविता में इनकी समानता करते हुए प्रकृति और शारीरिक अवस्था का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। ये दोनों ही अवस्थाएं वसंत ऋतु एवं यौवन या प्रकृति अथवा शरीर के सौंदर्य के आकर्षण को दर्शाती हैं। अभी आपने इस कविता को सुना। इस कविता के भाव से संबंधित किसी और कविता की रचना कीजिए।